हमारे साधारण पिज्जा के सामने कैप्टन अमेरिका की ढाल, एक स्वादिष्ट कॉफी के सामने बैटमैन कप में कॉफी और एक आम चीज बर्गर के सामने ब्लैक विडो वाला काला बर्गर। सुपर हीरो का खाना वर्सेस हमारे आम खाने की लड़ाई को देखें सिर्फ हमारी इस नई वीडियो में। सुपरमैन के पास एक दिन की छुट्टी है। जब वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता तो उसे जंक फूड खाना बहुत पसंद है। बहुत बुरी बात है कि उसके पास सिर्फ एक ही कैन बाकी है, लेकिन उसके पड़ोसी हल्क के पास कुछ सुपर चिप्स हैं। चलो इस ट्रीट को लेकर आते हैं। चिप्स बनाने के लिए हमें 3 ounce मसले हुए आलू चाहिए। उसमें अंडे के योक को डालें, हरे खाने लायक रंग की एक बूंद डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें 3.5 ounce आटा डालें और अच्छे से मिला दें। पतली परत बनाने के लिए 5 मिनट पेपर पर रख कर इसे बेलें। इस पर लगातार आटे को छिड़कें ताकि ये चिपके ना। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा गोला काट लें। इसे अवन में 280 डिग्री फारेनहाइट पर 10 मिनट के लिए बेक करें। तैयार होने पर बड़े चिप्स पर वेजिटेबल ऑयल को लगाएं। फालतू तेल को टिश्यू पेपर से इस तरह से हटा लें। थोड़ा नमक छिड़कें। ऐसे ही कुछ और चिप्स बनाएं। एक गोल डिब्बे को हरे कागज से ढकें। सबसे ऊपर एक हल्क के चिप्स का लेबल लगाएं और ढक्कन के लिए एक सुपर हीरो के लोगो को बनाएं। चिप्स को कंटेनर में डालें। अब हम जिसे बड़े हरे रंग के सुपर हीरो चिप्स कहते हैं, वो सुपरमैन इतने सारे चिप्स ना खाए, नहीं तो तुम सुपर हल्क में बदल जाओगे। इस सुपर हीरो चिप्स से सुपरमैन को एक आइडिया आया। क्या होगा अगर हम एक सुपर हीरो वर्सेस आम खाने की बैटल का बंदोबस्त करें, लेकिन हमें न्याय करने के लिए किसी की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक विडो आज क्या करने में व्यस्त है। क्या वो कुकीज पका रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बुरे लड़कों को शहर से साफ कर रही है। सुपरमैन के साथ रात के खाने का क्या विचार है? लड़ाई के बाद ब्लैक विडो को बहुत भूख लगती है और उसे अच्छा खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं। चलो फिर हम कॉमिक कॉन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ब्लैक विडो सुपरमैन के इंतजार कर रही है, लेकिन ये तो कोई चश्मे वाला आ गया। ये हमारा सुपरमैन है, लेकिन वो रिपोर्टर क्लार्क के भेस में आया है क्योंकि उसकी लाल सुपर हीरो वाली केप ड्राई क्लीनर के पास गई है। ब्लैक विडो को ऐसी जल्दबाजी वाली एंट्रेंस की आदत नहीं। क्लार्क ने ये एक बार किया, प्लीज हमें अपने दो सबसे स्वादिष्ट पिज्जा दें। पिज्जा तो बहुत जल्दी आ गए। क्लार्क को साधारण पिज्जा मिला और ब्लैक विडो को कैप्टन अमेरिका की ढाल। तैयार पिज्जा क्रस्ट पर ऑलिव ऑयल को लगाएं, चीज के स्लाइस में से एक गोला काटें और एक सितारे के आकार को काटें। खाने लायक नीले रंग से चीज वाले गोले को रंगें। क्रस्ट के बीच में सितारे के साथ लोगो बनाएं। इसके चारों ओर आधे सलामी के स्लाइसेस को लगा दें। फिर मोजरेला स्लाइसेस पिज्जा पर लगाएं। टमाटर के स्लाइसेस को किनारे पर लगाएं। पिज्जा को 280 डिग्री फारेनहाइट पर 15 मिनट तक बेक करें। ये शील्ड पिज्जा तो बिल्कुल 1 लाख रुपए की तरह दिख रहा है, मगर एक बात बुरी है, वो इसे स्लाइसेस में काटना भूल ही गए। शुक्र है कि सुपरमैन के पास किरणों वाली आंखें हैं, ये काम कर सकती है। वो पिज्जा को काटने के लिए अपनी लेजर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है, पिज्जा पट्टियों में कट गया। खैर, बेहतर होता कि हम वॉल्वरीन को बोल देते हमारे पिज्जा को स्लाइसेस में काटने के लिए। अब ये लड़का कर भी कह सकता है। इस सुपर हीरो वाले पिज्जा की रचनात्मक लुक के बावजूद हमारा साधारण पिज्जा जीत गया और स्कोर है 1-0। ब्लैक विडो को अभी भी भूख लगी है, इसलिए उसने मेन्यू से एक खास बर्गर चुना है। सुपरमैन ने उसी को ऑर्डर दिया। वह अपनी कैलोरीज का ध्यान रख रहा है। एक काले रंग के बर्गर बन को काटें, चिकन पैटी को ईल सॉस से ढकें, बन में लाल रंग के लेटस को रखें, इस पर कुछ सॉस को डालें, ऊपर से पैटी को रख दें, फिर उस पर काले रंग के चीज के टुकड़े को रखें। इस बन के दूसरे आधे हिस्से से इसे ढकें और चकोर आकार का ब्लैक विडो का लोगो इस पर लगा दें। ब्लैक विडो को उसका काला बर्गर मिला और क्लार्क का क्या? उसे आम बोरिंग चीज बर्गर मिला है। ये तो साफ है कि किसका सुपर हीरो बर्गर बेहतर है। इस काले सुपर हीरो बर्गर की बराबरी में क्लार्क का बर्गर कुछ भी नहीं। इस गॉड पार्टी वाले डार्क बर्गर में सारी सुपर पावर्स हैं और क्लार्क सिर्फ एक चीज कर सकता है, इसे देख सकता है वो। सुपर हीरो वाले खाने ने इस राउंड को जीत लिया। अब स्कोर टाई है 1-1।
ब्लैक विडो अपने दोस्त के लिए एक मीठा तोहफा लाई है। ये आम कैंडीज नई सुपर हीरो कैंडीज हैं। लाल और नीली गमी कैंडीज को जार में डालें। लाल केप लगाकर काट लें। जार के ढक्कन को एक फेल्ट की पट्टी से ढकें और केप पर डबल साइडेड टेप लगा दें। एक सुपरमैन के लोगो का प्रिंट आउट लें और इसे जार पर लगा दें। साधारण जेली कैंडीज तो बहुत मीठी हैं, जाहिर सी बात है, मगर क्लार्क इन सुपर हीरो कैंडीज को देखकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया। उसे लगता है कि इनके अंदर अपनी खुद की सुपर पावर्स हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि इसके बाइसेप्स को बड़ा कर सकते हैं। तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो क्लार्क, ये सिर्फ साधारण कैंडीज है एक खास पैकेज में, इनके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं। मगर क्लार्क तो उल्टा ही सोचता है। और दिखाओ तुम कौन सी कुंग फू स्किल्स दिखा सकते हो। सुपर कैंडीज जीत गई, स्कोर है 2-1। ब्लैक विडो तय नहीं कर पा रही कि कौन सी डेजर्ट खानी चाहिए। केक वैसे भी बहुत नरम और बोरिंग होते हैं। सुपरमैन फटाफट से उसके लिए एक मीठी चीज ले आया। ये थोड़ी कठोर कुकीज हैं और क्लार्क ने अपने लिए सुपर हीरो वाली कुकीज बनाई। 3 ounce चीनी में 2 ounce शहद को डालें, दालचीनी डालें, फिर वनीला शुगर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। एक अंडा तोड़कर डालें, इसे अच्छे से मिलाकर माइक्रोवेव में पिघलाएं। पिघले हुए मिश्रण में 2 ounce मुलायम मक्खन डालें। इसमें 9 ounce आटा डालें और डो को बनाएं। टेबल पर सूखे आटे को छिड़कें और डो को बेल लें। सुपर हीरो के लोगों के आकार में कुकीज को काटें। अब उन्हें आधे घंटे के लिए 360 डिग्री फारेनहाइट पर बेक करें। आइसिंग के लिए 4 अंडे के सफेद हिस्सों को अलग कर लें। इसे अच्छे से फेंटें और आधा चम्मच सिट्रिक एसिड डालें और फिर इसमें 14 आउंस पिसी हुई चीनी डालें। आइसिंग में खाने लायक रंग मिला दें और इसे एक जिपलॉक बैग में डालें। आइसिंग से कुकीज पर सुपर हीरो के लोगोस को पेंट करें। सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, डेडपूल और एक विस्फोट। इसके अलावा एक कॉमिक बबल पेंट करें जिस पर लिखा है लुक। कुकीज को पारदर्शी प्लास्टिक बैग में रखें और उन्हें रिबन से बांध दें। क्लार्क ने जल्दी से अपनी कुकी ढूंढ ली। ये रही एक गोल्ड सुपरमैन और ब्लैक विडो की कुकीज तो बहुत ही बोरिंग है। उसे इन सुपर कुकीज में अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। ये रहा बैटमैन। सुपरमैन और बैटमैन बहुत पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि बैटमैन उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। सुपरमैन को कुकीज पर और अपनी दोस्त पर गुस्सा आ रहा है। सुपर हीरो कुकीज ने इस राउंड को जीत लिया। स्कोर है 3-1। ब्लैक विडो ने एक कप कॉफी ऑर्डर किया। सुपरमैन को भी यही चाहिए, लेकिन वेटर ने उसके साथ शरारत की और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन बैटमैन की कॉस्ट्यूम में कॉफी का कप दिया। बैटमैन के काले रंग के सूट के टुकड़ों को काटें, एक केप और कानों के साथ पट्टी को बनाएं, लाते कप पर डिटेल्स को जोड़ दें, हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें, फेंटे हुए दूध को कप में डालें और कॉफी परोस दें। कप के ऊपर बैटमैन के लोगो के स्टेंसिल को लगाएं और उस पर कोको पाउडर को छिड़कें। सुपरमैन को बैटमैन से एलर्जी है, वो कॉफी के कप में भी अपने दुश्मन को याद नहीं कर सकता। ये बैटमैन की कॉस्ट्यूम वाला कप उसे गुस्सा दिला रहा है, तो उसने इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक किया। उसने अपनी आंखों से इस कप को जला दिया। हर जगह अपनी नाक घुसाता रहता है ये बैटमैन। सुपरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में है, यहाँ तक कि एक साधारण कॉफी का कप भी उसे शांत नहीं कर पाएगा। इस चक्कर से सुपर हीरो कॉफी इस राउंड में हार गई और साधारण कॉफी विजेता है। स्कोर है 3-2। रेस्टोरेंट की तरफ से उन्हें एक डिश मिलती है। ये है वंडर वुमन की स्मूदी। कद्दू से एक वंडर वुमन के लोगो को काटें, चाकू से डिटेल्स बनाएं, टेम्पलेट को ट्रेस करें और तारों के आकार को काटें। उस पर खाने लायक सुनहरे पाउडर से पेंट करें और खाने लायक चमकीली को छिड़कें। ब्लेंडर में केले, रास्पबेरीज और ग्रीक योगर्ट को मिलाएं। स्मूदी बनाकर एक कटोरे में डाल लें। इसे लोगो और सितारों से सजाएं।
ब्लैक विडो और सुपरमैन इस स्मूदी को ट्राई करना चाहते हैं, मगर ये मशी तरल चीज सुपरहीरो के ठोस कैरेक्टर से मेल नहीं खाती। वो इस मुलायम स्मूदी के लिए कुछ ज्यादा ही कूल है। इस राउंड में कोई भी विजेता नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मूदी बाउल सुपरहीरो हो या आम। हाँ, सुपरहीरोज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो स्कोर है 3-2 और सुपरहीरो खाने की बैटल अब खत्म हुई और विजेता है सुपरहीरो खाना। क्या आपको हमारे आम और सुपरहीरो वाले खाने की बैटल पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप कौन से डिश को सुपरहीरो वाले मेन्यू से बनाएंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि आप ऐसे नए सुपरहीरो के आइडियाज टूम टूम से मिस ना कर दें।